सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? अपनी सारी वीडियोस देखते हैं? मन से पढ़ते हैं ना? ध्यान से हर रोज अपनी वीडियोस देखिए और अपनी क्लास कीजिए, ठीक है ना? एक भी क्लास मिस मत कीजिए, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है? पढ़ाई में हम सीरियल वाइज पढ़ाते आ रहे हैं, बीच में आपका छूट जाएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, समझ भी नहीं पाइएगा। इसके लिए अपनी क्लासेस रोज़ देखा कीजिए, ठीक है बच्चों? चलिए, तो आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए? निकालिए अपनी बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर। पेंसिल को शार्प कर लीजिएगा और अच्छे से सुंदर, साफ, शुद्ध शुद्ध अक्षरों में लिखिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने च, छ, ज, झ और य वर्ण से बने शब्द और उसके बारे में जाने थे। आज हम पढ़ेंगे ट और ठ से बने शब्द। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णों से शब्द बनाए, ठीक है ना? वर्णों से शब्द बनाए। तो सबसे पहले हम ट से बनाएंगे और फिर बाद में ठ से। तो ट से क्या होता है बच्चों? ट से टमाटर। क्या होता है? ट से टमाटर। फिर ट से टब, ट से टट्टू और ट से टखना, ठीक है? ट से टमाटर, ट से टब, ट से टट्टू, ट से टखना। अब टमाटर के बारे में जानते हैं आप? क्या है टमाटर? टमाटर एक सब्जी है। ट से टमाटर है ये लाल सब्जी, इससे बने कमाल। सब्जी में जब हम टमाटर डालते हैं तो उसका स्वाद और भी स्वादिष्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। टमाटर की चटनी भी बनती है, टमाटर की सलाद भी बनती है। तो इस तरह से हम टमाटर को खाने में प्रयोग करते हैं। और टमाटर कैसा होता है? गोल गोल और लाल लाल, कितना प्यारा लगता है ना? फिर ट से टब, ट से टट्टू, ट से टखना। टमाटर हमारे, देखिए, ट से टमाटर, टमाटर हमारे खाने के स्वाद को बढ़ा देता है। फिर ट से टब, जिसमें हम पानी भरते हैं। ट से टट्टू एक प्रकार का जानवर है जिसे हम खच्चर बोलते हैं। ट से टखना जिसे घुटना बोलते हैं, पैरों के नीचे। फिर टमाटर के बारे में अब जानेंगे। टमाटर फल है या सब्जी है? पहला क्वेश्चन, टमाटर फल है या सब्जी? बताया आपको बच्चों, टमाटर फल है या सब्जी? बताइए। क्या है टमाटर? फल है। क्या है? सब्जी। बहुत अच्छे। चलिए अब दूसरा जानते हैं, टमाटर का रंग कैसा होता है? ये भी आपको पता है। टमाटर का रंग
कैसा होता है? बताइए बच्चों, ये तो आपको ज़रूर पता है, टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल। बहुत अच्छे, टमाटर का रंग लाल होता है। फिर तीसरा, कच्चा टमाटर किस रंग का होता है? कच्चा टमाटर किस रंग का होता है? बताइए, जब टमाटर कच्चा होता है तो वो किस रंग का होता है? ये भी आपको पता है ना, हरे रंग का। कैसा होता है? हरा। ठीक है, जब टमाटर कच्चा होता है तो वो हरा होता है, और वही टमाटर पक जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर टमाटर से क्या बनती है? चौथा, टमाटर से क्या बनती है? बताइए, टमाटर से हम क्या क्या बनाते हैं? चटनी, सलाद, बुक में केवल चटनी दिया हुआ है, मैं सलाद भी लिखती हूँ, और इसे सब्जी में भी डाल करके हम सब्जी का स्वाद बढ़ाते हैं और इसे बड़े प्रेम से खाते हैं। तो ज़्यादातर हम टमाटर से क्या बनती है, तो चटनी और सलाद ही बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए तो इसे आप लिखिए, फिर एक बार इसे हम पढ़ लेंगे। साफ साफ लिखिएगा, सुंदर अक्षरों में, शुद्ध शुद्ध, गलत मत लिखिएगा, आराम से नोट कीजिए। चलिए तो आप लोगों ने लिख लिया, अब पढ़ते हैं। फिर से देखिए, ट से टमाटर, ट से टब, ट से टट्टू, ट से टखना। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं ट से, जैसे ट से टमटम, ट से टिड्डा, टिड्डा एक प्रकार का कीड़ा है जो खेतों में होते हैं। और याद कीजिएगा तो समझ में आएगा, जो एक वर्ण से बहुत सारे शब्द होते हैं उसे हम याद करेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगी। ठीक है, इस तरह से ट से भी बहुत सारे शब्द होते हैं, अभी जितना बुक में दिया हुआ है उतना ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फिर से देख लीजिए, ट से टमाटर, ट से टब, ट से टट्टू, ट से टखना, ट से टमटम। अब टमाटर के बारे में हम जानेंगे। टमाटर फल है या सब्जी? क्या है बच्चों? टमाटर क्या है? सब्जी। फिर टमाटर का रंग कैसा होता है? कैसा होता है टमाटर का रंग? लाल। फिर कच्चा टमाटर किस रंग का होता है? तो हरा रंग का। फिर टमाटर से क्या बनती है? टमाटर से हम क्या क्या बनाते हैं? चटनी, सलाद, और सब्जी में तो डालते ही हैं। चलिए, इस तरह से आप लोगों ने ट से बने शब्द पढ़े और इसके बारे में जाना। अब आगे हम ठ वर्ण से पढ़ेंगे। चलिए तो इसे मिटाती हूँ मैं।
आइए ठा से देखते हैं क्या क्या होता है। ठा से ठठेरा, ठा से ठग, ठा से ठप्पा, फिर ठा से ठहाका। चलिए अब ठा से क्या है, ठठेरा, ठा से ठग, ठा से ठप्पा और ठा से ठहाका। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जैसे ठा से ठुमका, ठा से ठेला, और भी याद कीजिएगा, ध्यान में आएगा तो बहुत सारे शब्द होते हैं। तो चलिए हम फिलहाल इन चारों शब्दों के बारे में जानते हैं। ठा से ठठेरा किसे बोलते हैं, जो बर्तन बनाता है, ठीक है, बर्तन बनाने वाले को हम ठठेरा बोलते हैं। फिर ठा से ठग, ठा से ठग कौन है, जो दूसरों को झूठ बोल करके उसे ठगता है, ठीक है, इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को ठगना नहीं चाहिए, बहुत ही बुरी बात है। फिर ठा से ठप्पा, ठप्पा यानी मोहर, किसी चीज़ पर हम मोहर लगाते हैं उसे ही बोलते हैं ठप्पा लगाना। फिर ठहाका, ठा से ठहाका, इसे क्या बोलते हैं, ठहाका मतलब हम जब ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं उसे बोलते हैं ठहाका लगाकर हंसना। चलिए आप लोग लगाइए तो ठहाका, एक बार ज़ोर से हंसिए तो बच्चों, चलिए हंसिए और ज़ोर से, बहुत अच्छे, गुड। तो ज़ोर ज़ोर से हंसने से हम हमेशा खुश रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, इसलिए हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ओके। चलिए अब है ठठेरे का मुख्य औजार हथौड़ा, लकड़ी से बना होता है। ठठेरा जो होता है उसका मुख्य हथियार क्या होता है, हथौड़ा होता है, ठीक है, उसी से वो बर्तन बनाता है। चलिए और भी जानते हैं ठठेरा के बारे में, ठठेरा क्या बनाता है। ठठेरा क्या बनाता है, बताइए बच्चों, अभी मैं पढ़ाई हूँ आपको, ठठेरा क्या बनाता है, बर्तन। ठठेरा बर्तन बनाता है। फिर है बर्तन किससे बने होते हैं, मतलब क्या चीज़ का बर्तन बनता है, बर्तन किससे बने होते हैं, बर्तन किससे बने होते हैं, तो बर्तन पीतल का और स्टील का बनता है, और भी बनता है बहुत सारे वस्तुओं से बर्तन बनता है, जैसे पीतल, स्टील, लोहा का भी होता है, और चलिए पहले इसको लिखते हैं,
फूल का भी होता है जिसे हम फुल्हा बर्तन बोलते हैं, फिर हाँ अल्मुनियम, अल्मुनियम का भी होता है, ये सब इसका उत्तर है पीतल और स्टील से। ठीक है, इसके बाद जो नाम बोले हैं वो सब और होता है। ठीक है, पीतल और स्टील, ठीक है ना, और अल्मुनियम का तो हम उपयोग करते ही हैं। तो ये तीन बर्तन जो है इसे हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं अपने घरों में। फिर देखिए, आम तौर पर ठठेरे कौन होते हैं, आम तौर पर आमतौर पर ठठेरे कौन होते हैं, तो ये बंजारे होते हैं। ठीक है, बंजारे जो होते हैं उन्हीं को ठठेरे बोलते हैं, ठठेरा बोलते हैं। ठीक है, फिर ठठेरा बर्तन बनाने के अलावा क्या करता है, तो इसका उत्तर है बर्तनों की मरम्मत, जैसे कि टूटे फूटे बर्तनों को वो फिर मरम्मत करके अच्छा बनाता है। ठीक है ना, ठठेरा बर्तन बनाने के अलावा क्या करता है, ठठेरा बर्तन बनाने के अलावा क्या करता है, तो बर्तनों की मरम्मत, इसका उत्तर है बर्तनों की मरम्मत। चलिए इसे नोट कीजिए, तो जो बच्चे नहीं किए हैं उसे सही से नोट कीजिए। ठीक से लिखिए, ठीक है। चलिए तो एक बार पढ़ लीजिए इसे, ठ से ठठेरा, ठ से ठग, ठ से ठप्पा, ठ से ठहाका, ठ से ठेला, ठ से ठुमका। फिर से पढ़ लीजिए, ठ से ठठेरा, ठ से ठग, ठ से ठप्पा, ठ से ठहाका। अब ठठेरा के बारे में जान लीजिए, ठठेरा क्या बनाता है, तो वो बर्तन बनाता है। बर्तन किससे बने होते हैं, पीतल, स्टील, अल्मुनियम, इन सबों का। फिर आम तौर पर ठठेरे कौन होते हैं, वो बंजारे होते हैं। फिर ठठेरा बर्तन बनाने के अलावा क्या करता है, तो बर्तनों की मरम्मत करता है, टूटे फूटे बर्तनों को मरम्मत करता है और उसे अच्छा बनाता है।
ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने ट और ठ से बने शब्द के बारे में पढ़े। अब हम अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे, तब तक आप खुश रहिए, ध्यान से पढ़िए, अपनी माता पिता की सारी बातों को मानिए। ओके।